अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद मैरिन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस आज मैं कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को एक्साइटेड नज़र आ रही होंगी। उसकी वजह ये है कि बहुत दिनों से जो है मैं बीमार, कमरे में बंद, घर में बंद रह रही थी और आज मैं माशाल्लाह से अपने आप को फ़ील कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा खुश। तो आज का व्लॉग आप लोगों को पूरा ज़रूर देखना है, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और आने वाली वीडियो सब वॉच करें। तो आज है मेरे भतीजों की बर्थडे, मतलब कि रज़ा की भतीजों की बर्थडे, और उनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका ख़ुद का भी चैनल है बच्चों की सुबह और शाम, और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, और वो हैं मेरे देवर के दोनों बेटे और उनकी आज बर्थडे है। तो बस दोपहर में जो है बच्चों को लाइट सा मैंने यहाँ पर कटलेट्स फ्राई कर दिए थे। तो बस मैंने कहा कि बच्चों चलो आज आप ब्रेड के साथ ये कटलेट्स आप लोग खा लें, और उसके बाद क्योंकि खाना जल्दी आज खिला देंगे मिलाद के बाद ही। दोपहर में जो है शाम में मिलाद रखी थी लेडीज़ की, और उसके बाद है रात को केक कटिंग। तो जी यहाँ पर देखें हम सब ने खाना खा लिया, और बस खाने के टाइम पे पता है ना आप लोगों को कि जब घर में मेहमान हो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता वीडियो शूट करने का, और इतने काम होते हैं कि बस घर की लेडीज़ तो बिल्कुल ही बिज़ी हो जाती हैं। तो यही हुआ कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, और गाजर का हलवा था, बिरयानी थी, कोरमा था, बहुत ही मज़ा आया। और ये है हीना का पोर्शन, मतलब कि बच्चों की सुबह और शाम जो मेरे देवर हैं उनका पोर्शन। और यहाँ पर भाई कनेफ जो हैं सुपर स्टार वो तैयार हो रहे हैं और हीरो बन रहे हैं पूरे, और भाई बहुत ही ज़्यादा ये टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर आपने अभी तक इनका चैनल विज़िट नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, और रुके 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 अभी पहले मेरी पूरी वीडियो देख लें उसके बाद जाएँ और इनके चैनल पर जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। और ये जो है कनेफ अपने चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहे थे, और बहुत ही प्यारे बहुत से क्यूट से इनके जो वीडियोस हैं आपको इनके चैनल पे मिलेंगी। और इनके चैनल की सबसे स्पेशल बात ये है कि इनके चैनल को हर कोई एंजॉय कर सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा हो। तो चलें आए हम जल्दी से अब करते हैं केक कटिंग। और ये हैं कनेफ के नाना जान, और कुछ बहुत ज़रूरी आप लोगों से मुझे बातें करनी हैं, वो बातें करेंगे हम केक कटिंग के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मुझे करनी है आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात। तो जल्दी से चलते हैं हम केक कटिंग की तरफ और बच्चों को करवाते हैं स्पेशल फील। जल्दी लेट्स गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. happy birthday to you, happy birthday to you. जी तो केक कटिंग तो हो गया, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा मिस किया ज़िया भाई को, मतलब कि मेरे जेठ को। असल में वो पांचों भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं, और मेरे ससुर के बाद जो एक घर का बड़ा सरबरा होता है वो बिल्कुल इस तरह रहे हैं। तो आज वो नहीं थे क्योंकि वो अपनी जॉब के सिलसिले में गए हुए हैं लाहौर। तो बस आज हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो चलें आए करते हैं बच्चों की बच्चा पार्टी। Happy birthday to you. Happy birthday.
माशाल्लाह हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने तो बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि हर बच्चा अपने तरीके से अपनी तरफ से पूरी एफर्ट दे रहा था बहुत ही अच्छा सा डांस देने की डांस करने की डांस करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि जो छोटे हमारे घर के सबसे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, मारिया, मोहम्मद अजान और अरहम और अहमद, इन चारों ने भी बहुत ज़्यादा डांस में पार्टिसिपेट किया, बहुत इन्जॉय करना की कोशिश की और लग रहा था। और माशाल्लाह पता है मैंने देखा है कि काफ़ी घरों में ना बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चे माशाल्लाह से इतने हैं कि वो आपस में ही इतना एंजॉय कर लेते हैं कि हमें फिर वो तंग करने के लिए आते ही नहीं, और हम अपनी लेडीज़ पूरी गपशप पूरी बातों में और अपना बहुत इंजॉय अच्छी तरीके से कर लेते हैं, और हमें टेंशन नहीं होती, बस बच्चों के लिए भाई गाने प्ले कर दो और उसके बाद बच्चों से जान छुटी, बच्चे खुद ही अपना इंजॉय करते रहते हैं। तो जी आज की जो ख़ास बात थी वो ये जी, तो वो ख़ास बात ये है कि आप लोगों ने जिस तरह मेरे लिए दुआ की, किचन विद शानज़े, उमैमा खज़र, मोहम्मद इस्माइल और अलवीना व्लॉग्स, अज़रा, बिस्मा, किचन विद लवर और स्वीटी जी, नेहा की दुनिया, तैबा मुबीन, तो सीरत फातिमा, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और स्पेशल थैंक्स मोहम्मद इस्माइल जो उनकी वाइफ हैं उनका, क्योंकि उन्होंने जो है मेरे लिए स्पेशल दुआ करवाई थी मस्जिद में, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। बस मुझे इसी तरह दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।